हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए आज क्लास सिक्स का चैप्टर हम थर्ड पढ़ेंगे और पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे, सेकंड पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने कौन सा पार्ट पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। अभी तक आधी कहानी आप जान चुके हैं कि कहाँ तक उसकी कहानी कंप्लीट हुई है। आइए देखते हैं सेकंड पार्ट में कहाँ से होती है, क्या क्या कहानी में कहा गया है। ठीक है, उन्होंने सरकारी सूत्रों से संपर्क किया और विद्यालयों में शाम के समय एक घंटे की लिए पूर्ण पाठशाला खोल ली। पूर्ण पाठशाला बच्चों, मैंने बताया था ना, बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं, एजिड लोग जो होते हैं, उनका उनकी पाठशाला। ठीक है, और उन्होंने क्या करता, सरकारी लोगों से बातचीत करने के बाद ही उन्होंने ये कार्य शुरू किया था उनकी पाठशाला शुरू करने के लिए। यह वह समय था जब गांव के सभी युवक कौन व बूढ़े चौपाल में गपशप कर समय बिताते थे। अब उनके पास खाली समय होता था। यह वह समय था जब वहां के जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते थे, इकट्ठे होकर क्या करते थे, बातें करते थे, सारे एक दूसरे से क्या करते, गपशप करते थे। और किस टाइम करते थे, शाम के समय करते थे। मास्टर साहब स्वयं ही 10-12 युवकों को बड़े आग्रह से विद्यालय में बुलाकर लाए। मतलब मास्टर साहब जो थे वो 10-12 युवकों को बड़े आग्रह के साथ, मतलब कि उनसे विनती करके वो कहाँ लेके आए थे, विद्यालय में बुलाकर लाए। उनका मन तो नहीं था इस नीरस कार्य में लगने का, परंतु वो मास्टर जी का आदर करते थे सो वो विद्यालय में आ बैठे। मास्टर जी उन्हें समझा रहे थे कि यदि थोड़ा सा पढ़ लिख जाओगे तो अपने आप चिट्ठी लिख पढ़ सकोगे। मास्टर साहब ने उन युवकों को क्या समझाया कि अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाओगे तो तुम क्या करना सीख जाओगे, चिट्ठी लिखना सीख जाओगे और चिट्ठी को पढ़ना भी सीख जाओगे, अखबार पढ़ सकोगे। क्या पढ़ सकोगे, अखबार। पहले के लोग पढ़े लिखे कम हुआ करते थे ना, तो इसलिए मास्टर जी ने उनके लिए क्या करा, उनके लिए पूर्ण पाठशाला शुरू करी कि वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो वो अखबार पढ़ना सीख जाएंगे, चिट्ठी लिखना सीख जाएंगे, चिट्ठी पढ़ना भी सीख जाएंगे, खेती के बारे में नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। क्या करेंगे, मतलब कि जो खेती बाड़ी जो करते हैं उससे संबंधित कुछ जानकारी उनको पता नहीं होती ना कि खेती में क्या करने से क्या होता है। तो इसी प्रकार मास्टर जी ने उन्होंने बताया कि अगर तुम थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना सीख जाओगे तो खेती में क्या 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 किस किस तरह की दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे कि तुम्हारी फसल उपयोगी और अच्छी बन सके, तो वो आप समझ सकोगे। इसलिए उसके लिए क्या जरूर, उसके लिए पढ़ाई भी करना जरूरी है। बात एक दो की समझ में आ गई, जो मास्टर जी ने ये बात समझाई तो वो एक दो लोगों के समझ में आ गई। उन्होंने अपने साथियों को भी समझाया कि शाम का समय नष्ट करने की अपेक्षा एक घंटा स्कूल में आकर पढ़ लिया जाए तो उससे लाभ ही होगा। तो जो एक दो लोगों ने वो बात समझी तो उन्होंने अपने दोस्तों के आस पड़ोस लोगों को समझाई कि अगर हम थोड़ा पढ़ लिख लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे लिए हमारा भला ही होगा, चलो थोड़े दिन ऐसा ही करके देखते हैं। तो कुछ लोगों ने सबको समझाने की कोशिश करी तो कुछ लोग समझ गए और उन्होंने यह निर्णय लिया कि हम कुछ समय कहाँ जाएंगे, पाठशाला जाएंगे, किस चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए, कुछ लाभ होगा तो आएंगे। तो उसमें कुछ लोगों ने कहा अगर लाभ होगा तो ही हम आएंगे, नहीं तो किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं, साथियों ने यह कहा कि अगर लाभ होगा तो आएंगे, वैसे हमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, इसलिए चलो साथियों हम रोज़ स्कूल जाएंगे पढ़ने के लिए जिससे कि हमें क्या मिल सके, लाभ मिल सके। इस प्रकार मास्टर साहब की पौड़ पाठशाला में 5-7 व्यक्ति रात्रि में आने लगे। मास्टर साहब उन्हें केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं कराते थे अपितु अनेक व्यवहारिक जानकारियां भी पुस्तकों से पढ़ाकर सुनाते। जो मास्टर साहब थे सिर्फ वो उनको केवल अक्षर ज्ञान नहीं देते थे, वह अनेक प्रकार के व्यवहारिक मतलब जीवन से संबंधित जानकारियां भी देते थे और पुस्तकों से पढ़ाकर उनको सुनाते भी थे। जैसे गांव में फैली बीमारियों से कैसा बचा जाए, आपने देखा है ना गांव में कितनी गंदगी होती है और लोग साफ़ सफाई नहीं करते, जिसके कारण क्या होने शुरू हो जाती है, जिससे कि बीमारियाँ फैलने लग जाती है। तो इसके लिए मास्टर जी ने उनको इसके बारे में बताया। सरकार किसानों की क्या क्या सहायता करती है, जब तक किसान पढ़े लिखे नहीं होंगे तो उनको तो अपनी सहायता के बारे में पता नहीं होगा कि हमें
सरकार क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है, क्या क्या हमारे लिए कार्य कर रही है। तो इसमें कहा गया स्वस्थ कैसे रहा जा सकता है इत्यादि। इसमें बहुत सारी जानकारी दी, किसने दी, मास्टर साहब ने दी, कि इसमें हम गाँव में, अगर गाँव के लोग पढ़े लिखे होंगे तो बीमारियों से बच सकते हैं, जो उसमें तरह तरह की बीमारियाँ फैली होती हैं उससे बच सकते हैं, और सरकार हमें क्या 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 चीज़ें उपलब्ध कराती है उसको हम जानेंगे और अपने जीवन में उसका क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न मैं आपको देती हूँ, जो आपको किस में करने हैं, जो आपको बुक में करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का का और खा पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दे दिया था। अब क्वेश्चन नंबर गा और क्वेश्चन नंबर घा और डा आपको बुक में ही करना है। क्वेश्चन पढ़ोगे, यहाँ उसका उत्तर लिखोगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर टू का गा घा डा, ये तीनों प्रश्न आपको पढ़कर इनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों, और ये कार्य दोनों आपको करने हैं। करने के बाद आपको क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है। कल को जब लाइव क्लास होगी, जब आपकी लाइव क्लास चलेगी, तो मैं इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछूंगी और आपको इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो बच्चों, जहाँ तक मैंने अभी कहानी पढ़ाई आपको, वहाँ तक एक बार दोबारा वो कहानी पढ़नी है। ठीक है बच्चों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अब इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।